दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कंट्रोल वाल्व के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कंट्रोल वाल्व होता क्या है, इसका हम पूरा प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकली दिखाने से पहले हम कंट्रोल वाल्व से जुड़े बहुत सारी हमको जानकारी पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता इसमें हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कंट्रोल वाल्व होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इसके साथ साथ में एसेसरीज क्या क्या लगा रहता है। और दोस्तों एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक वाल्व कैरेक्टरिस्टिक, बहुत जगह पूछा जाता है कि वाल्व कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लीनियर टाइप का या फिर क्विक परसेंटेज या एक और एक होता है दोस्तों आन ऑफ टाइप का, यानी कि जो वाल्व का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है यानी कि लीनियर ऑपरेशन या फिर क्विक परसेंटेज ऑपरेशन या आन ऑफ ऑपरेशन, तो ये क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो लूप होता है कि ओपन लूप या क्लोज लूप में कैसे इसको यूज करते हैं, तो ये सारे टॉपिक को हम आपको इस बार हम बताने वाले हैं इसमें। और स्ट्रोक चेकिंग कैसे करते हैं तो सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम अलग अलग पार्ट्स में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कंट्रोल वाल्व होता क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों कंट्रोल वाल्व एक प्रकार का वाल्व भी होता है, जैसे कि हमारा कोई नॉर्मल वाल्व होता है। तो वाल्व का काम क्या होता है, किसी भी फ्लो लाइन में या प्रोसेस लाइन में किसी फ्लूड या लिक्विड या गैस को आइसोलेट करना यानी कि ऑन करना ऑफ करना, और अगर उस वाल्व का काम होता है। लेकिन जिससे अगर हम उसमें कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं, उस वाल्व के अगर साथ में हम कंट्रोल वाल्व यूज करते हैं, तो कंट्रोल का मतलब होता है कि फ्लो को कंट्रोल करना, यानी कि हमको परसेंटेज में उसको पास करना है 10% 20% 30% ऐसे उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल वाल्व में ज़्यादातर हम ग्लोब वाल्व और एंगल वाल्व का यूज करते हैं। मोस्टली जो यूज होता है दोस्तों ग्लोब वाल्व होता है, क्योंकि ग्लोब वाल्व की जो डिजाइनिंग की जाती है वो कंट्रोलिंग के लिए ही की जाती है। अगर मैनुअल वाल्व मैनुअल ग्लोब वाल्व भी आप देखेंगे कहीं भी आप प्रोसेस में देखते होंगे मैनुअल वाल्व जो होते हैं नॉर्मल वाल्व, अगर हमारा कोई गेट वाल्व है बाल वाल्व है उसको हम परसेंटेज में ओपन क्लोज नहीं करते हैं, या तो फुल रहता है या फिर पूरा फुल ओपन या फिर पूरा फुल क्लोज रहता है। लेकिन हम ग्लोब वाल्व जहाँ भी हमें कुछ अगर वाटर लाइन ही है अगर उस वाटर लाइन को हमें कम ज़्यादा करना रहता है तो वहाँ पे हम ग्लोब वाल्व के थ्रू ही करते हैं। तो इसीलिए जो भी हमारा कंट्रोल वाल्व होता है उसमें भी हम ग्लोब वाल्व का ही यूज करते हैं कंट्रोल वाल्व को बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसे अब कंट्रोल वाल्व होता क्या है, तो दोस्तों कंट्रोल वाल्व एक जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है हमारा क्लोज ये कंट्रोल वाल्व। तो दोस्तों इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस लाइन होता है या प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यानी कि हमारा वाटर या फ्लूड गैस स्टीम या जो भी केमिकल हो इनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। तो कंट्रोल वाल्व एक वाल्व होता है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इनको हम ऑपरेट कराने के लिए इसमें एक्चुएटर लगाते हैं। तो दोस्तों जो एक्चुएटर ही कई अलग अलग टाइप के आते हैं उसी के बेस पे हम वाल्व को डिवाइड कर देते हैं कौन से टाइप का है। जैसे कि दोस्तों इसका जो मेन हमारा वाल्व का जो टाइप आता है वो अगर टाइप हम इसका देखें तो एक्चुएटर के बेस पे, तो एक्चुएटर के बेस पे ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है न्यूमेटिक ऑपरेटिंग और दूसरा हाइड्रोलिक वाल्व होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल वाल्व। तो दोस्तों जो हमारा न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व होता है वो न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डायफ्राम टाइप का दूसरा होता है पिस्टन टाइप का। आप बहुत जगह देखे होंगे कहीं कहीं पे डायफ्राम लगा रहता है और कहीं कहीं पे पिस्टन टाइप का लगा रहता है, उसमें पिस्टन का यूज किया जाता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जो कंट्रोल वाल्व होता है उसके जो मुख्यतः जो मेन पार्ट्स होते हैं वो एक होता है हमारा एक्चुएटर, दूसरा होता है पोजिशनर और तीसरा होता है हमारा मेन वाल्व बॉडी। तो ये हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन बड़े बड़े जो इसके पार्ट्स हैं वो हमारे तीन ही हैं, एक्चुएटर पोजिशनर और वाल्व का बॉडी। तो अब दोस्तों एक्चुएटर जो होता है हमने आपको बताया कि एक्चुएटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक और पोजिशनर भी होते हैं। तो पोजिशनर के बारे में हम बाद में दूसरे टॉपिक में बता देंगे, लेकिन पोजिशनर का काम क्या रहता है, पोजिशनर का जो हमारा 4 to 20 mA सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से हमारा न्यूमेटिक सिग्नल को थ्रू करा के हमारा कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराना एक्चुएटर को ऑपरेट कराना रहता है। और जो वाल्व बॉडी होता है वो मेन हमारा वाल्व होता है जो प्रोसेस लाइन में लगा रहता है, ये ग्लोब या एंगल टाइप का, मोस्टली ये ग्लोब टाइप का ही लगा रहता है। तो ये हमारे इसके पार्ट्स हो गए। दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल वाल्व के टाइप के बारे में कि कंट्रोल वाल्व कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों कंट्रोल वाल्व देखिए अगर आप ऑपरेटिंग के टाइम पे देखें टाइप पे बेस पे देखें तो कंट्रोल वाल्व हमारा दो टाइप का होता है,
एक होता है सिंगल एक्टिंग, दूसरा होता है डबल एक्टिंग। तो दोस्तों सिंगल एक्टिंग में भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एयर टू ओपन और दूसरा होता है एयर टू क्लोज। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये एयर टू ओपन एयर टू क्लोज, इसको हम एयर फेल टू क्लोज भी बोलते हैं, एयर फेल टू ओपन भी बोलते हैं। अगर हमारे दोस्तों वाल्व एयर टू ओपन होगा तो उसको हम एयर फेल टू क्लोज भी बोलते हैं, अगर हमारा एयर टू ओपन होगा तो उसको एयर फेल टू ओपन बोलते हैं। तो ये हमारे इसके वाल्व के टाइप हो गए सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। अब दोस्तों जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर भी हमारा तीन टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेटिक एक्चुएटर, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर और एक और तीसरा होता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है न्यूमेटिक एक्चुएटर और उसके बाद इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर में हमारा मोटर ऑपरेटेड वाल्व आता है जिसको हम लोग MOV के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों जो हमारा कंट्रोल वाल्व होता है वो आपने बहुत जगह देखा होगा ये न्यूमेटिक वाला, तो न्यूमेटिक वाले में हम डायफ्राम या पिस्टन का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो डायफ्राम वाला होता है उसको एयर टू ओपन एयर टू क्लोज में यूज करते हैं, और जो हमारा पिस्टन टाइप का जो होता है उसको हम डुअल एक्टिंग के लिए यूज करते हैं, डुअल एक्टिंग कंट्रोल वाल्व। और सिंगल एक्टिंग में ज़्यादातर हमारा डायफ्राम टाइप का कंट्रोल वाल्व यूज होता है एयर टू ओपन के लिए या भी या फिर एयर टू क्लोज के लिए भी। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है पोजिशनर, तो पोजिशनर भी दोस्तों हमारा तीन टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक पोजिशनर, दूसरा होता है न्यूमेटिक न्यूमेटिक पोजिशनर और तीसरा होता है दोस्तों एक स्मार्ट पोजिशनर। और ये हमारे तीन टाइप के पोजिशनर होते हैं जिसका दोस्तों पोजिशनर का एक अलग वीडियो बना के हम आपको बताएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या इसके तीनों के अलग अलग काम क्या होते हैं। बाकी इसमें हम आपको बता देंगे बस पोजिशनर का काम क्या रहता है। तो दोस्तों पोजिशनर का काम रहता है हमारा कि जो हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर से 4 to 20 mA का जो सिग्नल आता है, कंट्रोलर यानी कि जो कंट्रोल रूम से हमारे PLC से या फिर DCS से जो 4 to 20 mA का सिग्नल हम देते हैं वो सिग्नल हमारा आता है पोजिशनर पे, और पोजिशनर उसके अंदर हमारा या फिर उसके साथ में अटैच रहता है IP कन्वर्टर जो कि उस मिलियम्स के हिसाब से न्यूमेटिक सिग्नल को 3 to 15 PSI यानी 3 to 15 PSI का न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे एक्चुएटर को ऑपरेट कराता है। तो ये हमारा पोजिशनर का काम रहता है। और दोस्तों उसके बाद हमारा था मेन वाल्व बॉडी, वाल्व बॉडी यानी कि जो प्रोसेस लाइन में हमारा जो वाल्व लगा रहता है उसको हम वाल्व बॉडी बोलते हैं। ये मोस्टली हमारा ग्लोब एंड एंगल टाइप का होता है, ज़्यादातर तो दोस्तों ये ग्लोब टाइप का ही इसमें वाल्व लगा रहता है, जो इसका बॉडी होता है वो हमारा ग्लोब टाइप का होता है। तो ये इसके मेन हमारे पार्ट्स हो गए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साथ में जो एसेसरीज लगे रहते हैं, एसेसरीज यानी कि एयर लॉक रिले, AFR, सोलेनाइड वाल्व, वॉल्यूम बूस्टर, इन सब का क्या काम रहता है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं कि इसके साथ में एसेसरीज क्या क्या लगे रहते हैं। तो दोस्तों देखिए कंट्रोल वाल्व जो होता है उसके साथ में जो एसेसरीज लगे रहते हैं आपने देखा होगा कि फीडबैक कार्ड रहता है यानी कि फीडबैक ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। कंट्रोल वाल्व का जो फीडबैक होता है कितना ओपन या क्लोज हुआ है उसका फीडबैक देने के लिए अलग से ट्रांसमीटर बिठाया गया था जिसको हम फीडबैक ट्रांसमीटर बोलते हैं। उसके बाद एक इक्वलाइजिंग वाल्व दिया गया रहता है। बस दोस्तों कंट्रोल वाल्व भी अलग अलग टाइप का रहते हैं, बहुत सारे इंटरलॉकिंग का रहता है, बहुत सारा रहता है बिना इंटरलॉक वाला, किसी किसी में ज़्यादा सेफ्टी या प्रोटेक्शन दिया गया रहता है, किसी में कम प्रोटेक्शन रहता है, कोई बहुत सिंपल टाइप का रहता है, तो अलग अलग टाइप का रहता है। लेकिन जो सारे इसके एसेसरीज होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। एक होता है दोस्तों इक्वलाइजिंग वाल्व, इक्वलाइजिंग वाल्व दोस्तों जो हमारा वाल्व लगा है को, तो अगर हमारा डुअल एक्टिंग टाइप का अगर वाल है तो उस दोनों पोर्ट के बीच में एक हमारा इक्वलाइजिंग वाल दे दिया जाता है कि अगर कभी इन केस अगर एयर फेल होता है तो इक्वलाइजिंग वाल को हम ओपन कर देते हैं, तो वाल्व जो हमारा होता है जिस पोजीशन में उस पोजीशन में ही रह जाता है। तो दोस्तों इक्वलाइजिंग वाल का काम होता है दोस्तों कि अगर हमारा एयर फेल होता है, अगर हम इक्वलाइजिंग वाल ओपन कर देते हैं तो सिलेंडर के दोनों साइड में एयर का जो प्रेशर होता है वो बराबर बराबर आ जाता है, यानी कि दोनों साइड में इक्वल प्रेशर हो जाता है। तो दोस्तों अब उसके बाद यूज किया जाता है वॉल्यूम बूस्टर। तो दोस्तों वॉल्यूम बूस्टर हमारा जो कंट्रोल वाल होता है उसको ऑपरेटिंग यानी कि स्मूथ ऑपरेशन के लिए हम वॉल्यूम बूस्टर का एक यूज करते हैं। वॉल्यूम बूस्टर क्या करता है दोस्तों कि जो हमारा एयर का जो सप्लाई आता है, मेन एयर का जो सप्लाई आता है, एयर AFR से जो निकलता है, उस AFR से हम डायरेक्ट वॉल्यूम बूस्टर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जो पोजिशनर का जो फीड आउटपुट निकलता है यानी कि जो न्यूमेटिक सिग्नल आता है वो हमारा वॉल्यूम बूस्टर के ऊपर आता है, वॉल्यूम बूस्टर को ऑपरेट करता है। जितना वॉल्यूम बूस्टर ओपन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्चुएटर पे एयर का सप्लाई जाता है वो इसके थ्रू पास करता है। तो वॉल्यूम बूस्टर का काम रहता है
कि हमारा जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर को स्मूथली ऑपरेट कराने के लिए या फास्ट रिस्पांस के लिए ये हमारा एक बोलिंग बूस्टर लगाया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों रहता है एयर लॉक रिले। तो दोस्तों एयर लॉक रिले रहता है हमारा जो मेन सप्लाई यानी कि एक्चुएटर के पोर्ट, जो एक्चुएटर में हमारा जो मेन एयर जा रहा है उस लाइन में हम लगा देते हैं एयर लॉक रिले। एक प्रकार का एयर को आइसोलेट करने के लिए रिले रहता है ये सप्लाई लाइन में, यानी कि जो एक्चुएटर को एयर जा रहा है ऑपरेट कराने के लिए उस लाइन में एयर लॉक रिले लगा दिया जाता है। इस एयर लॉक में दोस्तों एक सेट पॉइंट दिया गया रहता है, उस सेट पॉइंट से अगर हमारा प्रेशर डाउन होता है, जो प्रोसेस प्रेशर है एयर इंस्ट्रूमेंट एयर का, अगर उतने से कम होगा तो एयर लॉक रिले जो होता है तुरंत ऑपरेट हो जाता है और उस प्रोसेस लाइन को क्लोज कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्चुएटर के अंदर का जो कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर के अंदर का जो एयर होता है वो अंदर अंदर एक्चुएटर के डायफ्राम के चैम्बर में ही होल्ड हो जाता है और जो वाल्व जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में होल्ड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों AFR यूज होता है। ये AFR जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट एयर आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर AFR का यूज किया जाता है। और उसके साथ में दोस्तों एक फीडबैक लिंक और स्केल दिया गया रहता है। स्केलिंग रहता है दोस्तों मैनुअली इंडिकेशन के लिए, वहाँ पे फिजिकल इंडिकेशन के लिए स्केल दिया गया रहता है कि वाल्व कितना ओपन है, कितना परसेंट क्लोज है। और एक फीडबैक लिंक दिया गया रहता है दोस्तों, ये फीडबैक लिंक हमारा अगर हमारा अलग से फीडबैक ट्रांसमीटर लगा है तो उसके साथ में अटैच रहता है, या फिर एक किसी किसी पोजिशनर में भी फीडबैक का व्यवस्था रहता है तो उसके साथ में लिंक रहता है। तो दोस्तों ये हमारे इसके मोस्ट जो यूज होते हैं वो एसेसरीज वो ये थे हमारे इसके। इसके बाद आपको बताते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में जब भी आप कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड कोई इंटरव्यू देंगे तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि हमारा कंट्रोल वाल्व में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि वाल्व ओपनिंग और जो हमारा फ्लो रेट होता है इनके बीच का जो परसेंटेज रिलेशनशिप होता है उसी को हम बोलते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि दोस्तों कि अगर हम मान लीजिए हम किसी वाल्व को अगर 10% ओपन करते हैं तो उसका जो फ्लो रेट हुआ वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, यही जो इसका रिलेशन होता है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो दोस्तों किसी भी कंट्रोल वाल्व का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये हमारे तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा लीनियर परसेंटेज, तो दोस्तों दूसरा एक होता है हमारा इक्वल परसेंटेज, और तीसरा होता है हमारा क्विक ऑपरेटिंग यानी कि ऑन ऑफ टाइप का। हेयुरिस्टिक यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, इन्हीं के बेस पे हम कंट्रोल वाल्व को यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस के लिए हमें लगाना है वो हम कैरेक्टरिस्टिक को देख के ही हम इसको यूज करते हैं। दोस्तों जो भी कंट्रोल वाल्व आता है उसका जो डिस्क्रिप्शन प्लेट रहता है उसके ऊपर सारा लिखा रहता है कि कंट्रोल वाल्व की कौन से टाइप का है, लीनियर परसेंटेज है कि इक्वल परसेंटेज है या क्विक ओपनिंग टाइप का है। दोस्तों चलिए आपको बता देते हैं कि ये लीनियर परसेंटेज, इक्वल परसेंटेज और क्विक ओपनिंग क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्विक ओपनिंग। दोस्तों क्विक ओपनिंग का मतलब ये होता है कि आप इस पे जब कोई कमांड देते हैं, अगर मान लीजिए 50% का आप कमांड देते हैं तो इसका जो फ्लो रेट होता है यानी कि जिस लाइन में ये लगा रहता है तो टोटल फ्लो का लगभग 90% फ्लो इसका होने लगता है। तो दोस्तों इसको हम यूज करते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल वाल्व के रूप में, यानी कि या इसको या तो फुल ओपन या फिर क्लोज के रूप में हम इस क्विक ओपनिंग टाइप का जो वाल्व होता है इसको यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक होता है लीनियर परसेंटेज। तो दोस्तों लीनियर परसेंटेज में ये होता है कि अगर हम 25% का कमांड देंगे यानी हमारा जो वाल्व है 25% खुलेगा तो जो टोटल फ्लो रेट की कैपेसिटी है उस लाइन की तो उसका 25% फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जितना आप वाल्व ओपन करेंगे उतना ही उसका जो टोटल फ्लो है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस लाइन है उसमें हमारा जो फ्लो कैपेसिटी है, मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी है वो हमारा 10 m³/h का उसमें कैपेसिटी है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपने 25% का कमांड दिया, 25% अगर वाल्व ओपन होता है तो 10 m³/h का जो 25% होगा यानी कि 2.5 m³/h वो फ्लो रेट हमारा इसमें होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा होता है लीनियर परसेंटेज में, यानी कि जितना कमांड देंगे जितना उतना हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद एक आता है इक्वल परसेंटेज। तो दोस्तों इक्वल परसेंटेज जो होता है उसमें लीनियर का जैसा नहीं होता है, अगर आप इसमें 25% वाल्व ओपन करेंगे तो इसका जो फ्लो होता है वो हमारा 65% फ्लो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये इक्वल परसेंटेज एक
एक अलग ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं आपको अलग वीडियो में, जो कैरेक्टरिस्टिक वाल्व कैरेक्टरिस्टिक का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि इक्वल परसेंटेज होता क्या है और कैसे इसका फार्मूला से कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर 25% आप कमांड देते हैं तो कितना फ्लो शुरू होगा, वो हम आपको एक फार्मूले से बता देंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इक्वल परसेंटेज होता है क्या है कैसे, अगर मान लीजिए आपने 25% कमांड दिया है वाल्व को तो कितना उसमें फ्लो होगा। तो दोस्तों ये हमारा टोटली एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको हम आपको अगले एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक वाल्व कैरेक्टरिस्टिक का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे लीनियर परसेंटेज, इक्वल परसेंटेज और क्विक ओपनिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में बस आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बाकी आगे की वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे पूरा अच्छे से। तो चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रोक चेकिंग के बारे में। तो दोस्तों स्ट्रोक चेकिंग यानी कि जब भी हम वाल्व का कैलिब्रेशन करते हैं तो वहाँ पर हम स्ट्रोक चेक करते हैं। स्ट्रोक चेकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम अगर 25% कमांड दे रहे हैं तो वाल्व हमारा 25% ओपन हो रहा है कि नहीं, 50% पे 50% ओपन हो रहा है कि नहीं, 75% ओपन हो रहा है कि नहीं, इसी को हम स्ट्रोक चेकिंग बोलते हैं। तो दोस्तों स्ट्रोक चेकिंग जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है फॉरवर्ड एक होता है बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड में दोस्तों हम क्या करते हैं कि 0 से शुरू करते हैं और 100% तक जाते हैं इसका चेक करके, यानी कि 0% कमांड देंगे, 25% कमांड देंगे, फिर 50%, फिर 75%, फिर 100% कमांड देंगे और उसके अनुसार हमारा जो फीडबैक मिल रहा है कि नहीं उसको हम चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब बैकवर्ड करते हैं तो 100% से डाउन आते हैं, यानी कि 75% पे, 50% पे और 25% पे, फिर 0% पे। तो इसी को हम स्ट्रोक चेकिंग बोलते हैं, जो कि दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो ये आपको याद रखिएगा दोस्तों स्ट्रोक चेकिंग होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों ये हमारा था वाल्व का इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको बहुत सारी इसमें आपको सुनने को मिलता होगा कि वाल्व ट्रिम और टर्न डाउन रेशियो, वाल्व रेंजेबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक करके इसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों कंट्रोल वाल्व एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक इतना छोटे में आपको बताएंगे तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हैं कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड, कि कंट्रोल वाल्व होता क्या है, इसके टाइप कितने होते हैं, पार्ट्स क्या क्या होता है और इसके साथ में एक्सेसरीज क्या क्या लगा रहता है और वाल्व कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो दोस्तों यही था हमारा कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे प्रैक्टिकली दोस्तों कि एयर टू ओपन, एयर टू फेल और डबल एक्टिंग टाइप का जो कंट्रोल वाल्व होता है वो कैसे काम करता है और इसके साथ में क्या क्या लगा, आपको सारे आगे के वीडियो में पूरा ए टू जेड प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो होंगी, आपके सारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर होंगे, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकली हम वीडियो आपको दिखाएंगे उसमें ए टू जेड आपको दिखाएंगे कि कैसे काम करता है, ए टू जेड शुरू से लेकर पोजिशनर से लेकर एयरलॉक रिले का पूरा कनेक्शन आपको बताएंगे कैसे करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा।